मामी को भांजे से हुआ प्यार, मामी को लेकर हो गया फरार। मामी और भांजे ने तोड़ दिया सारे बंधनों को। मन्नू और नीलम ने कहा साथ जिएंगे साथ मरेंगे। फिल्मी कहानी जैसी है दोनों की जिंदगी। कहते हैं कि प्रेम न देखे जाति पाति, प्रेम न देखे ऊंच नीच, लेकिन यही प्रेम प्यार मोहब्बत रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दे तो सवाल तो उठना लाजिम है, कहीं ना कहीं इससे समाज टूटता है। आज की कहानी एक ऐसे प्रेमी जोड़े की है जो आजकल मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। ये कहानी है मन्नू और नीलम की, जो गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन मौजूदा समय में इन लोगों ने मऊ में अपना ठिकाना बनाया है। चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर। नीलम रिश्ते में मन्नू की मामी लगती हैं, लेकिन जब अपने ही भांजे से मामी को हुआ प्यार तो दोनों प्यार की खातिर हो गए फरार। दुनिया के ऐतराज से बेपरवाह इस प्रेमी जोड़े ने किसी की परवाह किए बगैर अपने प्यार को चुना। दरअसल ननिहाल में रह रहे मन्नू की आंखें उसकी मामी की सगी छोटी बहन से लड़ गई। प्यार हुआ, खिलाफत भी जमकर हुई, नीलम पर तमाम बंदिशें भी लगी, पिटाई भी हुई, लेकिन नीलम ने कहा कि जीऊंगी तो मन्नू के लिए, वरना हंसते हंसते मौत को गले लगा लूंगी। मन्नू के माँ बाप भी नाराज हुए। इसके बाद दोनों के प्यार और जिद के आगे घर वालों ने हथियार डाल दिया। दोनों की शादी हुई, लेकिन फिर भी मन्नू के घर वालों के मन की खटास नहीं गई। घर वालों ने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों की जिंदगी में फिर शुरू हो गई फिल्मों वाली कहानी। आज मन्नू और नीलम सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इन्हें अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। दोनों की जिंदगी में फिर शुरू हो गई फिल्मों वाली कहानी। आज मन्नू और नीलम सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर करने पर मजबूर हैं, लेकिन इन्हें अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। दोनों साथ मिलकर एक गाना भी गाते हैं और अपने प्यार को जताते हैं कि उन्होंने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं। तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, वादे जो किए वो निभाएंगे, ऐसा नम हर जनम का ये इकरार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। ये आपका भांजा है, कैसे शादी करोगी? नहीं, ये तो मैं नहीं सुनी थी और मुझे कोई बोला भी नहीं था, पर इतना बस बोले थे सब लोग कि मतलब ये रिश्ता हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, शादी मत करो। तो हम लोग बोले कि मतलब शादी तो कहीं करेंगे ही, आज नहीं तो कल, और हम शायद दूसरे लड़के के पास इतना खुश नहीं रहेंगे जितना ये मुझे खुश रख लेंगे। तो ज़िंदगी है तो जिसमें हमें खुशी दिख रही वहीं पर हम रहेंगे ना। प्यार कैसे हो जाता है? अब प्यार देखिए, हम पूछ आपसे रहे, मुस्कुरा बोल रहे हैं। अब प्यार तो इन्होंने भी किया है तो ये तो मुस्कुराएंगे ही ना, दोनों लोग की इसमें ना है। अच्छा, प्यार दोनों लोगों की रजामंदी, दोनों लोग की रजामंदी है तो ये भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं। जो हम देखेंगे नहीं कि लड़का कैसा है और लड़की कैसी है तो फिर आगे बात कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में तो भी जानकारी लेना जरूरी है। मन्नू में क्या देखा था आपने, कौन सी ऐसी चीज थी जो इससे इम्प्रेस हो गई थी? बहुत खासियत थी इनके में, टैलेंट भी थे, और यहाँ इनके पे मैं तो ज़्यादा इसलिए इनसे प्यार की थी, मतलब ये ननिहाल में रहते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ननिहाल में इतना सब काम वाम करते थे, पढ़ते भी थे और काम भी करते थे, टैलेंट भी इनके पास था और कराटे भी सीखते थे और सीखे भी हैं कराटे और सिखाए भी हैं, और इनको पता नहीं है, भूले हैं कि इनको पता है वो नहीं, पर कहीं ना कहीं कराटे भी सिखाए हैं कुछ लड़कों को। तो 3 साल पहले प्यार हुआ? हाँ, 3 साल पहले प्यार हुआ था। प्यार हुआ, शादी हो गई, और ऐसे भी मैं शादी शुदा नहीं थी, शादी तो कहीं ना कहीं करना ही था। अच्छा। आजकल या कर करे मम्मी पापा करे, बातें करते तो ये सोचते थे कि ये हमारे लायक हैं, हमारे जीवन साथी अच्छी हैं, काम धाम करेंगे अच्छे तरीके से। पहला कौन सा चीज था जिससे अट्रैक्ट हो गए? चेहरा अच्छा था, खूबसूरत थी, ये ज्यादा पसंद आया?
सब कुछ, चेहरा भी अच्छा था, बोल चाल रहन सहन ढंग सब कुछ सही था, काम वम भी करती थी तो अच्छे तरीके से काम करना, खाना बनाना, ये सब तमाम यही चीज़ तो सब लोग देखते हैं ना, चाहे लड़की हो या लड़का हो, यही सब देखा जाता है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।